कल ईडी के गिरफ्त में आ ही गए। कल उन्होंने कोर्ट में भी अप्रोच किया था लेकिन राहत नहीं मिली। उसके बाद ईडी ने कल पूछताछ के लिए गई, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या कहना चाहते हैं? चोर मचाए शोर, आपके पाप का घड़ा एक दिन फूटना ही था। आप धोखाधड़ी करो, जालसाजी करो, लूटो, कानून और संविधान से, न्यायालय से ऊपर देश में कोई नहीं है। कानून की पालना सभी को करनी है। पूरी दिल्ली और पूरे देश को भली भांति पता है कि शराब घोटाले का काला खेल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेक्सस द्वारा खेला गया और इस नेक्सस के तार दिल्ली से हैदराबाद और दक्षिण की लोबी को लाकर किस तरह दिल्ली की जनता को लूटा जाए। किसने कमीशन बढ़ाई, किसके लिए कमीशन बढ़ाई, जब सारी एजेंसियां कह रही हैं आपके अपने ही सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार कह रहे हैं, इसके बावजूद नियमों को कानून को ताक पर रखकर शीश महल में बैठे हुए भ्रष्टाचारी केजरीवाल जी ने अपनी जेब भरने के लिए, लूटने के लिए जनता को ये खेल खेला। और इस कमीशन और रिश्वत की मिली की रकम का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी फरवरी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में करती है। जांच में सहयोग करना चाहिए था, नहीं किया। जांच होनी चाहिए, क्या छुपाया जा रहा है, किसके मोबाइल तोड़े गए, पैसा कहां से आया। चश्मदीद जो बता रहे हैं ये लूट का खेल, और खेल को नेक्सस बनाकर सरगना की तरह काम करना। अब सच तो बताना पड़ेगा, देश के कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं।